आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कांदा पोहा की रेसिपी। ये महाराष्ट्रियन स्टाइल पोहा है। इसे बनाना बहुत इजी है और इसमें ज्यादा इंग्रेडिएंट्स भी यूज नहीं होते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर आप वेट लॉस करने की सोच रहे हैं तो ये तो एकदम परफेक्ट है। आप इसे ब्रेकफास्ट में, लंच में, इवन डिनर में किसी भी टाइम ले सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे इसकी रेसिपी देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तृप्ति किचन कॉर्नर। मैं हूँ तृप्ति। रेसिपी देखने के साथ साथ प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए जल्दी से कांदा पोहा की रेसिपी देखते हैं। कांदा पोहा बनाने के लिए सबसे पहले हम ये पोहा लेंगे। ये मैंने मोटा वाला पोहा यूज किया है, जाड़ा पोहा कहते हैं इसे। पतला वाला या मीडियम साइज का पोहा ना यूज करें, मोटा साइज का पोहा यूज करें, क्योंकि जब पोहे को पानी से साफ करते हैं ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाता है और ये आपस में चिपकने लगता है या टूटने लगता है, इसलिए हम मोटा वाला पोहा ही यूज करेंगे। इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे। मैंने 2 कप के लमसम पोहा लिया है। एक छन्नी लेंगे, इसमें पोहा डालेंगे और इसे अच्छे से वॉश करेंगे। पोहे को वॉश कर लिया है। पोहे को वॉश करना बहुत जरूरी है। देखिए, जब पोहा वॉश करते हैं तो पानी थोड़ा गंदा सा होता है, इसलिए वॉश करने से इसकी गंदगी निकल जाती है, थोड़ा सा भीग भी जाता है। अब इसका ये पानी हटा देंगे। अब पोहे को इसी बर्तन में पलट देंगे और थोड़ा सा पानी डाल के 1 से 2 मिनट के लिए भिगो देंगे। पोहे को 1 से 2 मिनट के लिए भिगोएंगे, जिससे पोहा थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। 1 से 2 मिनट हो गए हैं। अब पोहे को छन्नी में छान लेंगे। अब इसे एक साइड रख देंगे 5 से 6 मिनट के लिए। ये अच्छे से इसका सारा पानी, एक्सेस पानी निकल जाएगा। तब तक प्याज मिर्च की चॉपिंग कर लेते हैं, क्योंकि आज हम कांदा पोहा बना रहे हैं तो इसमें सिर्फ प्याज मिर्च का यूज होगा, ज्यादा चीजें नहीं पड़ेंगी। 5 से 6 मिनट हो गए हैं, पोहे का सारा एक्स्ट्रा पानी निकल गया है। ये देखिए कितना बढ़िया एक एक पोहा हो गया है। ये देखिए, अगर आप चाहें तो पोहे में हल्दी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग पोहे में ही हल्दी ऐड कर लेते हैं। तो चलिए अब अपनी बाकी की प्रोसेस शुरू करते हैं। 2 टेबलस्पून ऑयल गरम करेंगे। मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है, आप रिफाइंड भी ले सकते हैं। ऑयल अच्छे से गरम हो गया है। सबसे पहले इसमें मूंगफली तल के निकाल लेंगे। सिंग दाना 1/3 कप मूंगफली है। मूंगफली अच्छे से फ्राई हो गई है, इसे बाहर निकाल लेंगे। अब इसी तेल में राई डालेंगे। मैंने मोटी वाली राई ली है, 1 टीस्पून। इसे अच्छे से चटकने देंगे। फिर इसमें हरी मिर्च डालेंगे। मैंने 2 से 3 हरी मिर्च को महीन काट लिया है। 10 से 12 करी पत्ते, 2 प्याज बारीक कटी हुई, 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे। प्याज को गोल्डन ब्राउन या डार्क ब्राउन नहीं करना है, प्याज को ट्रांसलूसेंट रखना है, इसलिए जो पोहे का टेस्ट होगा उसमें मिठास आएगी। प्याज की मिठास से ही पोहा बहुत टेस्टी बनेगा। तुम्हें ज्यादा फ्राई नहीं करना है। ये देखिए, प्याज अच्छे से ट्रांसलूसेंट हो गई है। अब इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 1 टीस्पून के अप्रोक्स पानी डालेंगे। इससे क्या होगा, जो मसाला है वो जलेगा नहीं और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। मैंने ये चीज किसी से सीखी है। तो 1 टीस्पून के लमसम पानी डालेंगे। इससे प्याज में भी थोड़ी सी सॉफ्टनेस आ जाएगी और मसाला भी नहीं जलेगा। नमक, अभी नमक हम सिर्फ प्याज के अकॉर्डिंग यूज कर रहे हैं। जब पोहा डालेंगे तो पोहे के अकॉर्डिंग भी यूज करेंगे। अगर अभी नमक ज्यादा डाल देंगे तो प्याज में ज्यादा नमक चढ़ जाएगा, इसलिए अभी प्याज के अकॉर्डिंग ही नमक यूज करेंगे। अब इसमें पोहा ऐड कर देंगे। अब पोहे के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। नमक स्वाद अनुसार ही डालिएगा। अगर आपको तीखा पसंद है तो आप मिर्च भी ज्यादा यूज कर सकते हैं, साथ में मूंगफली जो हमने तल के रखी थी। इसी स्टेज में हम नींबू भी ऐड कर देंगे, क्योंकि हम पोहे को एक बार चलाएंगे, बार बार नहीं। बार बार चलाने से पोहा टूट भी सकता है, तो हम सारी चीजें एक बार में ही मिला देंगे। हरी धनिया, मैंने अभी 1/2 धनिया मिलाई है, आधी बचा ली है। इसे मिक्स करेंगे।
हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। अगर आपको अच्छे से मिक्स करते नहीं बन रहा है तो आप कढ़ाई को एक साइड से उठाइए, हल्का सा उठा के इस तरह से करके इसको टर्न कर दीजिए। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब इसे ढक के 3 से 4 मिनट पकाएंगे, क्योंकि पोहे को भाप में पकाते हैं तो वो ज्यादा सॉफ्ट और ज्यादा टेस्टी बनता है। तो 3 से 4 मिनट हम भाप में पका लेते हैं। 3 से 4 मिनट हो गया है, पोहे को चेक करते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया बन रहा है भाप में, पोहा बनके रेडी हो गया है। अब इसमें ऊपर से धनिया डाल देंगे, धनिया के बिना तो हर इंडियन रेसिपी अधूरी है। पोहा बनके रेडी है, अब इसे सर्व कर लेते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया खिला खिला पोहा बना है। ये देखिए कांदा पोहा बनके रेडी हो गया है, खाने में बहुत टेस्टी लगता है। आप भी बनाइए और एंजॉय करिए। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई रेसिपी।